नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। धर्मनगरी हरिद्वार में यूपीसीएल द्वारा डाली गई भूमिगत विद्युत लाइन का लोकार्पण किया गया। लगभग 301 करोड़ रुपए के बजट से ये डाली गई इस योजना के लोकार्पण कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में यूपीसीएल के निदेशक नीरज खैरवाल, ऊर्जा सचिव राधिका झा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। इस दौरान ऊर्जा सचिव राधिका झा ने कहा कि देश में वाराणसी के बाद हरिद्वार दूसरा शहर है जहां बिजली की तारों को भूमिगत किया गया है। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार ने विशेष सौगात के रूप में हरिद्वार को दिया। बनारस के बाद हरिद्वार ही ऐसा एक शहर है पूरे देश में जहां ये भूमिगत केबलिंग अप्रूव करी गई। करीब 388 करोड़ की DPR थी, लेकिन बिडिंग में जब हम लोग गए थे तो ये 301 करोड़ में ही अवार्ड हुआ। और ये रिकॉर्ड 1 साल 10 महीने में कोविड के बावजूद भी कार्यक्रम करा गया। इसमें लाभ तो ऑफकोर्स ये रहेगा कि AT&C लॉसेस कम रहेंगे हरिद्वार में जो कमर्शियल लॉसेस होते हैं। इसके अलावा पावर रिलायबिलिटी, बिजली की आपूर्ति हमारी बेहतर होगी। बाद में जब अधिकारियों के द्वारा एस्टीमेट पूरा बनाया गया तो वो 400 करोड़ के सापेक्ष बनाया गया, 388 करोड़, उसमें से कुछ खर्च हुए होंगे 300 करोड़ समथिंग। लेकिन अभी जो पूरा शहर है, पूरे शहर को अभी अंडरग्राउंड होने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आज भारत सरकार के मंत्री से आज भी बातचीत करूंगा, 2-4-10 दिन बाद जाके दिल्ली में भी बातचीत करूंगा। बचे हुए शहर के लिए भी हमारा DPR स्वीकृत हो जाए, जो हम स्वीकृति हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार के लिए और अच्छा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय पौड़ी जनपद दौरे पर हैं, जिसमें आज पूर्व मुख्यमंत्री कोटद्वार पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में केवल चेहरा बदला है, जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो निरंतर जारी रहेगी। वहीं पत्रकारों ने जब नव नियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा लिए गए फैसलों और बयानों के बारे में पूर्व सीएम से पूछा तो सीएम ने चुप्पी साध दी। बेटी की शादी के लिए बाड़मेर एक्सप्रेस में जोधपुर से ऋषिकेश आ रहे रमेश चंद का नकदी, गहने और अन्य कीमती सामान से भरा बैग ट्रेन में गुम हो गया। RPF के जवान और TT शाहिद हसन की ईमानदारी से रमेश चंद की कीमती सामान से भरा हुआ बैग उन्हें वापस मिल गया। दरअसल जोधपुर से ऋषिकेश आ रही बाड़मेर एक्सप्रेस में रुद्रप्रयाग निवासी रमेश चंद का कीमती सामान से भरा बैग छूट गया था। ट्रेन में बैग छूटने पर RPF के जवानों को सूचना दी गई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद TT शाहिद हसन द्वारा यात्रियों की लिस्ट चेक की गई। लिस्ट चेक करने के बाद TT शाहिद हसन ने कोच में जाकर बैग प्राप्त कर लिया। वहीं बैग मिलने के बाद यात्री ने TT और RPF के सिपाही अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। में चेकिंग के दौरान 2 बैग पाए गए S171 सीट पे, ठीक है। उसकी सूचना मैंने कमर्शियल कंट्रोल मुरादाबाद को नोट कराई, जिसके आधार पे ऋषिकेश में RPF वाले आए और सामान अपने साथ लिया और पैसेंजरों को चेक करा के उनके सपुत्र सौंपा गया। ऋषिकेश की ग्राम सभा खदरी खड़क माफ के निवासी इन दिनों फिर से गुलदार के खौफ में जीने को मजबूर हैं। लगातार गुलदार क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें भी CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। स्थानीय लोगों ने डर की वजह से अब शाम के समय बच्चों का घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। मामला संज्ञान में आने पर क्षेत्र पंचायत सदस्य बीना चौहान ने वन विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें वन अधिकारियों से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के साथ पिंजरा लगाने की भी मांग की गई है। बता देर रात बाइक सवार 2 युवक भी गुलदार का निवाला बनने से बच गए। एक बाइक सवार के गुजरते ही दीवार फांद कर गुलदार सड़क क्रॉस करता हुआ निकल गया, जबकि दूसरा बाइक सवार गुलदार के सड़क क्रॉस करते ही पीछे से आ गया। यदि चंद सेकंड का फर्क होता तो गुलदार बाइक सवारों पर हमला कर उन्हें घायल कर अपने मुंह का निवाला बना सकता था। जो ये दस्तक हुई है गुलदार की, ग्राम सभा खदरी खड़क माव के लकड़गार रोड बाईपास पर हुई है। यह दूसरी दस्तक है जब गुलदार प्रगतिपुरम पर दिखाया गया, और इससे पूर्व 16 मार्च को यह दिखाया गया, और जिससे लोगों में काफ़ी डर है और बच्चों को बाहर जाने से मना कर रहे हैं। और वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस मांग पर कार्रवाई की जाए, ताकि कोई बड़ी घटना क्षेत्र में ना हो पाए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने लालकुआ कोतवाली में आकर यहां पर निलंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए जनता के साथ मधुर व्यवहार बनाने और अपराधों पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए। मंगलवार की शाम लालकुआ कोतवाली पहुंची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने कोतवाली क्षेत्र में निलंबित विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए विवेचना अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोतवाली और चौकी क्षेत्रों में आने वाले फरियादियों के साथ पुलिस नम्रता पूर्वक व्यवहार करे, साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी सख्त कार्रवाई होनी आवश्यक है। में सभी जो हमारा ग्राउंड का जो कर्मचारी है, जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, उनको सभी को जो है निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने बीट एरिया में ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तथा अच्छे लोगों को भी चिन्हित करेंगे जो इसमें सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि जो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उस पर भी अपने फ़ोन कॉल्स करके उस पर सूचित करें, और आपके जो नाम हैं जो सूचना दे रहे हैं उसका नाम हम लोग गोपनीय रखेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इसमें जनता जो है वो भी बढ़ चढ़ कर अपना जो हिस्सेदारी उसको निभा करके ऐसे लोगों के बारे में गोपनीय सूचना ज़रूर प्रोवाइड कराएगी। खानपुर के चंदपुरी खुर्द गांव में एक 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने जब युवती के शव को देखा तो सभी हैरान रह गए। पूरे मामले की जानकारी खानपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद खानपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया। बता दें कि चंदपुरी खुर्द गांव की एक 19 वर्षीय युवती सुबह अपने घर से खेतों में पशुओं के लिए चारा लेने गई थी, लेकिन जब कल शाम तक वो घर वापस नहीं आई तो उसकी खोजबीन की गई लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। जब सुबह खेत में ग्रामीणों ने युवती का शव देखा तो सभी दंग रह गए। ये जो है सुबह हमारा थाना खानपुर में सूचना मिली थी कि जो उस गांव में जो है एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। अभी हमारा फोर्स मीटिंग सब लोग मौके पर पहुंच गए हैं। अभी घटनास्थल का मुआयना करा और बाड़ी का जो है पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सो उसका रिपोर्ट जैसा है उसका अनुसार जो है कागज किया जाएगा। कन्याकुमारी से 7000 किलोमीटर का सफर तय करके रुड़की पहुंची कुंभ संदेश यात्रा के आयोजकों के द्वारा बीटी जंग स्थित जैन धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस कुंभ संदेश यात्रा के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थानों देवालयों और तीनों कुंभ स्थानों से होकर कुंभ संदेश यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव में रुड़की पहुंची है। कन्याकुमारी से हरिद्वार तक 40 दिनों में 7000 किलोमीटर का सफर तय करने वाली कुंभ संदेश यात्रा रथ और गाड़ियों से चलते हुए 24 मार्च को दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद पैदल चलते हुए आज ये यात्रा रुड़की पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता से भारत सहित पूरी दुनिया को परिचित कराना है और सदियों से चली आ रही कुंभ परंपरा को दुनिया के सामने लाकर भारत का गौरव बढ़ाना है। पहला हमारा संदेश है कुंभ मेला अभी हरिद्वार में चल रहा है। लोग समझते हैं कुंभ मेला बोले तो जाना शाही स्नान करना डिप करना पूरा अपना पाप से लगाया फिर निकालना गाँव जाना यही उसका सोच है। हमारा मुद्दा है कुंभ मेला में उतना ही नहीं है और ज़्यादा है। और क्या है एक्सचेंज सेंटर है नॉलेज का, जिस नॉलेज हमारे पास है उससे ज़्यादा उधर संत लोगों से जो जो मेधावी लोग आते हैं लोग बैठ के चर्चा करता है अपना परंपरा क्या है कैसा रहना है आगे कैसा चलना है आगे चेंजेस क्या होने का है बायोलॉजिकल वो पूरा उधर चर्चा होता है। वो चर्चा कोई सुन रहे नहीं, ये चर्चा है इसका पीछे ये बहुत है बोल के लोगों को और अपना दक्षिण भारत में सबको अवेयरनेस होना बोल के ये एक मुद्दा है। दूसरा हमारा है ये परिवार बिगड़ रहा है, संयुक्त परिवार का भी हमारा एक विचार है, ग्रामीण विकास का भी एक हमारा विचार है और अपना आहार पद्धति जो है बिगड़ रहा है पूरा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है उसको रोकना चाहिए वो भी हमारा विचार है। और एक मुद्दा हमारा सरकार से हम पूछ रहे हैं अभी 75 साल का अपना आज़ादी हो रहा है 75 साल के बाद भी हम इंग्लिश का कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्ल्ड का कैलेंडर है तो रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना कैलेंडर अपने को इस्तेमाल होना चाहिए, अपना कैलेंडर अपना ऑफिशियली डिक्लेयर होना है, अपन अपना कैलेंडर यूज़ करना है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन फोटोज पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। वायरल हो रही फोटोज पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि जिसको उनकी जिंदगी के बारे में जानना है वो उनकी किताब पढ़कर सब कुछ जान सकता है। उनकी किताब का नाम है मी हिजड़ा मी लक्ष्मी और दूसरी किताब रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ। ये दोनों किताबें उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके जीवन से जुड़े सभी पुराने फोटोज इंटरनेट पर मौजूद हैं। उन्होंने कभी इन फोटोज को मिटाने की कोशिश नहीं की।
जय श्री महाकाल। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहती हूँ, जिसको भी मेरी जिंदगी के बारे में जानना है, मेरी जिंदगी खुली किताब है। मेरे दो किताब है, मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, द रेड लिपस्टिक मैन इन माय लाइफ। तो आप लोग वो किताब पढ़ के, और इंटरनेट पे मेरे सारे फोटोज, मैंने कोई भी फोटोज मेरे इतिहास के कभी मिटाने की कोशिश नहीं करी। वो भी लक्ष्मी थी और ये भी लक्ष्मी है। मैं जब काली कोठरी से हमारा पूरा समाज निकल के सत्य सनातन धर्म का ध्वजा लेके आगे चलने की कोशिश कर रहा है, किन्नर अखाड़े में लोग ऐसे भी जो सिग्नल पे भीख मांगते थे, लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए अपना बदन भी बेचते थे, अगर वो धर्म में आ गए हैं और धर्म पे रह के चलने की कोशिश करते हैं, अपना इतिहास मिटा के नया इतिहास लिखना चाहते हैं और नया प्रेजेंट लिखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज को अपना दृष्टिकोण बदलते हुए किन्नरों के लिए एक नई जिंदगी को शुरुआत करने की आस के लिए एक नया रास्ता निकालना चाहिए। एसपी ट्रैफिक प्रदीप राय ने बताया कि पूरी तरह से प्लानिंग की गई है। आउटडोर प्लान के तहत जो श्रद्धालु बाहर से आने वाले हैं उनके लिए कुंभ मेला क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्था की गई है। दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक को लक्सर से होते हुए दक्षदीप पार्किंग में खड़ा किया जाएगा। जो नजीबाबाद मुरादाबाद की तरफ से ट्रैफिक आएगा उसे गौरी शंकर पार्किंग में पार्क किया जाएगा। साथ ही जो ट्रैफिक देहरादून की ओर से आएगा उसे शांति कुंज पार्किंग में पार्क किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैफिक चंडीगढ़ और सहारनपुर से और से आएगा उसे धीरा वाली पार्किंग में पार्क किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा तीन तरह का प्लान है, एक तो आउटर प्लान है हमारा, जो कि बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए प्लान ये है कि जो लोग भी दिल्ली से आएंगे वो उनका वाया पुरकाजी, खानपुर, लक्सर ला करके इनको यहाँ पे दक्षद्वीप पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। जो लोग नजीबाबाद की साइड से आएंगे उनको गौरी शंकर पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। जो लोग देहरादून से आएंगे उनको दुधियावान, सप्तर्षि, शांति कुंज पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। साथ ही जो लोग सहारनपुर के क्षेत्र से आएंगे वो बीएचईएल के पास धीर वाली इत्यादि पार्किंग उनको पार्क कराया जाएगा। और इसके अलावा जो रोडवेज बस स्टैंड है, जो पहले रिस्कुल में इसमें स्थापित है, वो भी आउटर में चला जाएगा। और धीर वाली, दक्षद्वीप, गौरी शंकर और मोतीचूर में रोडवेज बस के स्टैंड बना दिए गए हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत 700 उपनल कर्मचारी पिछले एक हफ्ते से बुद्ध पार्क में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अपना कर्मचारी नियमितीकरण और काम समान वेतन दिए जाने के मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उपनल कर्मचारियों के हड़ताल का सीधा असर कुमाऊं भर से आ रहे मरीजों पर पड़ रहा है, क्योंकि सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑपरेशन पूरी तरह से बंद हो गए हैं और साफ सफाई न होने की वजह से अस्पताल में गंदगी का भी अंबार लग गया है। साथ ही मरीजों की जाँच भी नहीं की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। हम लोग विगत 6 दिन से 700 कर्मचारी सुशीला तिवारी के उपनल के माध्यम से जो कार्यरत हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार और हमारा सुशीला तिवारी प्रशासन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम लोगों की मांग है, विगत 10-15 वर्षों से हम लोग मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये वेतन में यहाँ पर कार्यरत हैं। हमारी मांग है कि हमें जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है, समान कार्य समान वेतन, वो हम लोगों पर लागू किया जाए और 6 महीने के अंदर हमारे नियमितीकरण का जो हाईकोर्ट से आदेश आया था उसको लागू किया जाए, अन्यथा हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर से इस बार मन बनाए हुए हैं कि यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। लालकुआ में निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू के जयपुर बीसा गांव में विद्युत विभाग की एलटी लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से किसानों की 1 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पा लिया, वहीं तेज हवा चलने की वजह से आग बुझाने में ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।